हाय गाइस, सेकेंड चैप्टर अपना खत्म हो गया है और अपन थर्ड चैप्टर चालू कर रहे हैं। आज थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। अब इसके अपन ने सेकेंड चैप्टर जब पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या था, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड था पब्लिक सेक्टर, थर्ड था ज्वाइंट सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उनके रुपए लगे हुए थे, वो रुपए लगा रहे थे और वो बिजनेस मतलब बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। अब सेकंड कौन सा था, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा था कि जिसमें गवर्नमेंट का रुपए लगे हुए, जिसमें गवर्नमेंट के रुपए लगे वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर। और ज्वाइंट सेक्टर क्या था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के रुपए लगे हुए वो क्या हो गया, ज्वाइंट सेक्टर। अब अपन ने सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा कि यार जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो कितने टाइप ऑफ वो कर सकता है, बिजनेस कितने टाइप्स में कर सकता है। फर्स्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था वो HUF, थर्ड था पार्टनरशिप, फोर्थ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ था जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब अपन इस थर्ड वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कितने टाइप्स में बिजनेस कर सकता है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसके बारे में ग्लोबल एंटरप्राइजेस, है ना। इसे नाम क्या है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो एक तो अपने को पहले पढ़ना है इसमें पब्लिक, कि पब्लिक जो सेक्टर है वो कितने टाइप से वो कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मतलब जो बिजनेस जो ग्लोबली ऑपरेट कर रहा है, जैसे रिलायंस है, सैमसंग है, एप्पल है, LG है, डेल है, ये सब जो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड डील कर रहे हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो जॉइंट वेंचर बचता है, मतलब जॉइंट सेक्टर जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पैसे लगे हुए हैं, अपन फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन आते सबसे पहले अपना मेन क्या है कि पब्लिक सेक्टर जिसमें मतलब गवर्नमेंट के रुपए लगे हुए हैं वो कितने पार्ट्स में हो सकता है, वो तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी, है ना। अपन एक एक करके उसको समझेंगे। अब अपन पहले ये बात करते हैं कि यार इंडिया में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या रिलेशन है, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब अपनी इंडिपेंडेंस हुआ था, जब अपन आजाद हुए थे, तब क्या था कि इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जैसे कि बहुत सारी पहले भूख मारी थी, इतना कैपिटल नहीं था किसी का कि यार अच्छा बड़ा बिजनेस वो चालू कर पाए। तो उस टाइम उन्होंने क्या करा कि यार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, हम जो मतलब प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रुपए नहीं है, उनका टेक्निक भी नहीं है, अपन अभी वीक है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि अब हम उन्होंने सेटअप करी थी इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्रीज हम सेटअप करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सेटअप करी थी, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है, पेट्रोलियम के है, और पेट्रोलियम, कोल और ये सब क्या है फिर गवर्नमेंट ही चला रही थी, है ना। पर धीरे धीरे क्या हुआ, क्या जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता गया तो उसका इतना कैपिटल आ गया कि यार अब वो संभाल सकता है। जैसे एयरलाइंस है, तो पहले एयरलाइंस सिर्फ गवर्नमेंट वो करती थी हैंडल, तब प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गए, है ना। तो पहले क्या था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ये बड़ी बड़ी जिसपे वो चीजें इंडस्ट्रीज थी उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर रही थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर भी अर्न करते गया, उसका रुपया आ गया, तो फिर अब प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज है ना वो भी करने लग गया है। पर क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर ने कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रखी, क्या ये हम ही कर सकते हैं, वो चीजें आप नहीं कर सकते हो। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ही रेलवे चला सकती है, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स रेलवे नहीं चला सकता, ठीक है। तो अब अपन उसमें क्या है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, अब क्या हुआ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है ना वो अब उन्होंने अपना बस जो लिमिटेड एरिया है 5-6 चीजें उसमें लिमिटेड कर लिया अपने आपको, कि अब अपन 5-6 चीजें में पैसे लग रहे हैं, ज्यादा अपने ऑपरेट नहीं करेंगे, कम से कम धीरे धीरे डी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट धीरे धीरे अपनी उनकी कंपनियां सेल करती जा रही है ना। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि यार सबसे पहला टाइप कौन सा है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मैंने बता दिया। सबसे पहला क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है ना, जैसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अपन मान लो रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ही है। इनके जो एम्प्लॉयज है उनको अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही बोलते हैं, है ना, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड क्या, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब वो कॉर्पोरेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक्ट, जैसे एक्ट से बनी हो, उसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट की वजह से वो अब एग्जिस्टेंस में, जैसे RBI है, तो RBI के पीछे क्या, RBI एक्ट, उसमें बता रखा है कि RBI चालू होगी। फिर SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक SBI एक्ट से बनी हुई।
फिर अब LIC देखते हैं। तो LIC कैसे बने, LIC एक्ट से अपन देखते हैं। और कौन सी बड़ी SEBI है, अपन ने उसमें पढ़ा था प्रमोशन स्टेज। हाँ प्रमोशन, जब अपन कंपनी बना रहे थे तब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में अपन ने क्या पढ़ा था, अपने SEBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो क्या है, वो भी एक एक्ट से बना हुआ है। तो वो क्या SEBI एक्ट है, उसके अंदर SEBI बना है। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे है कि ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट है। फिर ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसके लिए भी वो CS एक्ट है। ऐसे बहुत सारी वो है जो एक्ट से बनी है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, नॉर्मल जो अपन ने कंपनीज पढ़ी थी ना वो वैसी कंपनी होती है, पर इसमें क्या रहता है कि रुपए प्राइवेट के नहीं लगे हुए, उसमें रुपए किसके लगे हुए हैं, नॉर्मल उसके पब्लिक के लगे हुए हैं, है ना। मतलब पब्लिक के मतलब गवर्नमेंट के रुपए लगे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वो बिजनेस। मतलब ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि प्राइवेट के पास ज्यादा रुपए नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने अपने मतलब जो मेन मेन एक्टिविटीज थी वो गवर्नमेंट ने हैंडल करी थी। तो ये ओल्डेस्ट है, बहुत सालों से चला रहा है। फिर क्या, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही माना जाता है ना। इसको क्या मानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही है, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं माना जाता है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस अलग से नहीं है, इसको अपन ऐसा ही मानते हैं यार, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जैसे अगर अपन रेलवे देख ले तो अपन क्या बोलते हैं, रेलवे गवर्नमेंट का पार्ट है, क्योंकि उसको हैंडल कौन करता है, रेल मिनिस्टर अपॉइंट होता है, वो पूरी देख रेख करता है। जो रेलवे के ऑफिसर्स है उनको क्या बोलते हैं अपन, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना। उनको सैलरी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है रेलवे वालों को सैलरी। अब पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। क्यों, क्योंकि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही माना जाता है। उनको सैलरी कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पोस्ट ऑफिस, है ना। और कैसे हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी है, आर्मी नेवी, और ये क्या होते हैं, ये भी एक वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अपने डिफेंस मिनिस्टर है, वो पूरा देखते हैं क्या है डिफेंस में सब चीजें सही हो रही है कि नहीं। पुलिस वालों को अपन क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सब चीजें क्या हो गई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई। इट्स एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या मानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज माना जाता है। एग्जाम्पल क्या है, रेलवे, रेलवे क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सेकेंड क्या है, डिफेंस, डिफेंस मतलब आर्मी नेवी ये सब आ जाएगा, ये पुलिस ये सब कहीं में आएगी, ये भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी कौन कंट्रोल कर रहा है, पोस्ट ऑफिस के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, टेलीग्राम एंड पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री, है ना। तो वो किसको कंट्रोल करती है, वो पोस्ट ऑफिस को पूरा कंट्रोल करती है। ठीक है, ETC मतलब एक हाँ एटोनॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि ये अगर प्राइवेट हाथ में दे दिया तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो गलत यूज कर सकता है उसका। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी गवर्नमेंट के हाथ में है। अब फीचर्स क्या है, अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, कि ये किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेल मिनिस्ट्री, फिर पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम मिनिस्ट्री, फिर डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फिर अपन ने एटोनॉमिक एनर्जी के लिए न्यूक्लियर या पावर मिनिस्ट्री ऐसा कुछ होता है, न्यूक्लियर पावर मिनिस्ट्री ऐसे नाम से मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, तो इनके लिए एक अलग एक मिनिस्टर बनाते हैं गवर्नमेंट, क्या ये मिनिस्टर है, ये पूरा इसका ध्यान रखेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कुछ गलती होगी। जैसे अगर रेल, अपन क्या देखते हैं कि यार कहीं भी रेल दुर्घटना हुई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो रेल मिनिस्टर हाथों हाथ फटाफट वहां पहुंच जाता है, उसको जाना पड़ता है, क्योंकि यार अगर कुछ भी रेलवे में गलत हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, रेल मिनिस्टर। कुछ भी गलत हो रहा है, अगर वहां चोरी हुई तो उसके लिए भी बोलेंगे रेल मिनिस्टर, क्योंकि यार सर आपको ध्यान रखना था, आपको एक्शन लेना था कि ढूंढो किसने चोरी करी हो, अगली बार चोरी नहीं हो, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया। तो हर चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, रेल मिनिस्टर के ऊपर है। अभी अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या माना जाता है, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट से अलग नहीं है। फाइनेंस्ड फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, इनका फाइनेंस क्या आता है, जैसे अपन देखते हैं बजट वो होता है, प्रिपेयर होता है, और जब पार्लियामेंट में कब वो होता है, प्रेजेंट कब होता है, 1 फरवरी को, है ना। हर 1 फरवरी को
बजट शो होता है, तो हर बजट में लिखा रहता है कि यार रेलवे को इतने रुपए जाएंगे, पोस्ट ऑफिस को इतने रुपए जाएंगे, जो भी डिफेंस के लिए इतने रुपए देंगे अपन, है ना। तो वो क्या, इनका जो रुपए आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो बजट पेश होता है गवर्नमेंट का बजट, वहां से उनको रुपए मिलते हैं। फिर एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। ये रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको कैसे आपको सिलेक्ट करना है, उनको कितने रुपए देने, ये सब काइंड में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट में। तो इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, इनको भी क्या माना जाता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो इनके ऊपर भी ये रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट है ना, वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। फिर दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब जो वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, डिफेंस है, आप चाहो तो उनके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो। सूट मतलब केस, है ना। तो आप चाहो तो उनके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो। किस मतलब किस मैनर में, जैसे आप गवर्नमेंट पे फाइल कर सकते हो केस, तो वैसे आप इनके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो। फिर रेवेन्यूज डिपॉजिट एंड ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो भी ये कमा रहे हैं रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, अगर कुछ कमाते हैं कहीं से भी इनका रुपए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी रेवेन्यू आया ना वो कहाँ चले जाता है, इंडिया का जो खजाना है ना, ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट का खजाना है ना, उसमें सब रुपए वहां जाके जमा कर देते हैं लोग कि हमने इतना रेलवे इतना कलेक्शन हुआ है, रेलवे जाके गवर्नमेंट को दे देगी कि ये जो आपका खजाना है उसमें रख लो, ठीक है। और उसको अगर कुछ भी रुपए चाहिए तो बजट से गवर्नमेंट उसको दे देती है। लास्ट क्या, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, मतलब डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि जो भी एक डिपार्टमेंटल हेड बनाते हैं, जैसे रेल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फिर ये क्या पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम मिनिस्टर, है ना, और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये सब एक मिनिस्टर, एक एक जना है। अब कुछ भी अगर गलती होती है पूरे डिपार्टमेंट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, उस हेड की आएगी कि यार आपने क्या ध्यान दिया, आपका कैसा कंट्रोल है। ओके, अब इसके मेरिट्स क्या है कि यार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चालू करने के मेरिट्स क्या है। फर्स्ट क्या है कि इजी फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट जब चाहे तब मिनिस्ट्री क्रिएट करके एक नया डिपार्टमेंटल अंडर क्रिएटिंग चालू कर सकती है, उसको ज्यादा फॉर्मेलिटीज और परमिशन वर्मिशन की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट है ना, डायरेक्ट पार्लियामेंट से कंट्रोल चलता है, पार्लियामेंट बताएगी ये करना है, बजट इतना दिया है तो बजट का यूज कैसे करना है, तो उनका क्या एक वो रहते हैं, पार्लियामेंट ऊपर से देखती रहती है सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे होता है, क्या जो भी है वो बजट कौन बनाता है, बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे जो इकोनॉमिक्स रहते हैं, बहुत उनका अच्छा नॉलेज रहता है, बजट वो लोग बनाते हैं, तो यार वो लोग अच्छे से पूरा एनालाइज करके बताते हैं क्या इतना अपने को इसमें रेलवे में इतना देना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना देना चाहिए, तो क्या जो फंड है ना दे रहे ना वो बिल्कुल आपको सही से यूज करना है, तो इसलिए वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब जो फंड दिया है वो बिल्कुल बेटर वे में यूज होता है। अकाउंटेबिलिटी, जो भी कुछ भी कर रहे हैं इनका रेवेन्यू अगर जितना हो रहा है, या फिर जो लोग रिक्रूट करे मतलब नए स्टाफ लिया है, इन सब के लिए अकाउंटेबल रहते हैं। डायरेक्ट इनको किसको रिपोर्ट करना पड़ता है, पार्लियामेंट में, जो भी मान लो रेलवे का आज इस साल इतना खर्चा हुआ, इस साल इतना टिकट्स आए, नई इतनी एसेट्स खरीदी, इतने नए लाइब्रेरी, ये सब है ना, ये सब इनको पूरा बना के पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है। वहां पे फिर डिस्कशन होता है इसके बारे में, क्या ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, वहाँ क्वेश्चन होते हैं उसके हेड से, रेलवे मिनिस्टर है ना उसे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस बार इतने एक्सीडेंट हुए तो इतने एक्सीडेंट क्यों हुए, इतने लोग क्यों मरे, ये सब है ना उनको आंसर देना पड़ता है, जो अकाउंटेबल रहते हैं वो। फिफ्थ क्या, पब्लिक रेवेन्यू, जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो काहे में जा रहा है, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रहा है ना, तो वो क्या है, पब्लिक रेवेन्यू है, जो भी अर्न कर रहे हैं वो किसका है, आम जनता का है, मतलब गवर्नमेंट रख रही है उसको, मतलब आम जनता का है वो रुपए। फिर लास्ट क्या, सिक्रेसी, इसमें सिक्रेसी मेंटेन करना इजी रहता है, क्योंकि यार जो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, तो सीक्रेट से ना वो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। अब जैसे डिफेंस में देखते हैं अपन, तो सीक्रेट मिशन रहते हैं, क्या ये सीक्रेट मिशन है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ जो 5-6 लोग रहते हैं उनको ही पता रहता है। और उसमें क्या रहता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो आप सीक्रेट आप बाहर वो नहीं करोगे ज्यादा, एक्सप्लोर नहीं करोगे उसको। डिमेरिट्स, सबसे ज्यादा डिमेरिट्स क्या, इनफ्लेक्सिबिलिटी,
इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आपके पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपने हिसाब से कुछ करने का राइट नहीं है। जो पार्लियामेंट में डिसाइड करा है ना कि इतने रुपए मिलेंगे, ये यहाँ यहाँ लगाने हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा। आपके पास खुद के इतने ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर लूँ, ठीक है? आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, इसमें क्या है कि जो भी वो डिपार्टमेंट अर्न कर रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, ट्रेजरी में जा रहा है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, और जो भी उसको एक्सपेंस चाहिए वो वहां से मिल भी रहा उसको, तो इसमें क्या मोटिवेशन नहीं है। कि अगर मोटिवेट कब होता है आदमी कि अपन अच्छे से काम करते, ज्यादा ज्यादा काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा वो फिर से अपन उसमें बिजनेस में लगाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट होगा अगली बार, तो वो क्या वो मोटिवेट करता है कि प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो अपने मतलब ज्यादा अर्न करने को मिलेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी। पर इसमें क्या प्रॉफिट तो कुछ ही नहीं, कुछ भी जो भी मिला आपको वो गवर्नमेंट को दे दो, और जो चाहिए वो गवर्नमेंट आपको फिर से दे देगी ट्रेजरी से निकाल के। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप फाइनेंस को अपने हिसाब से कहीं भी लगा सको? आपको कुछ भी करना है तो आप उसको पहले तो अकाउंटेबल होगे कि आपने यहाँ रुपए क्यों लगाए, और पार्लियामेंट से एक बार कंसल्ट करना पड़ता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं तो कर ले क्या, या इतने रुपए लगा दे क्या, है ना? तो पार्लियामेंट हाँ करती है तो ही कर पाओगे आप। फिर इनएफिशियंट मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग वो रहते हैं यार, जैसे अब गवर्नमेंट ऑर्गेन अपन देखते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या रहता है कि सब आलसी रहते हैं। अपन कुछ भी काम लेके जाओ, सर ये काम है तो कल आना, और रिश्वतखोरी और ये सब क्या चलता ही रहता है। तो वहाँ मैनेजमेंट कोई आदमी अंदर से मोटिवेट नहीं रहता कि मैं ज्यादा ज्यादा काम करूँ। वो उनका 5 बजे का टाइम है तो 4:30 बजे ही बंद करके चले जाएंगे, है ना? तो वो कोई मोटिव उनका वो नहीं रहता है, मैनेजमेंट सही नहीं रहता है। बस काम चल रहा है, कैसा भी काम करेंगे सैलरी तो गवर्नमेंट से आ ही जाएगी, है ना? फिर रेड ट्रैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड ट्रैपिज्म मतलब क्या है? रेड और ट्रैपिज्म दो वर्ड है ना। रेड मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत पहले बना था, जब जो भी रिकॉर्ड होते थे ना वो एक रेड कलर के रजिस्टर में मेंटेन होते थे। तो क्या है रेड ट्रैपिज्म मतलब जो रेड है वो टैप हो गया, मतलब केस बंद हो गया है ना? तो उस पे ज्यादा कोई वो नहीं होता है क्या, कुछ भी आपने जाके कंप्लेन करी तो वो लिख लेंगे और वो बात ठीक है, लिख लिया, कोई एक्शन नहीं होता, वो बंद हो गई, वो रखा गया अलमारी में। अब उनकी वो इच्छा होगी कोई करेगा ना, वो पड़ी हुई सड़ती रहेगी वो रजिस्टर, ठीक है? तो ऐसा होता है कि यार ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो आपने अगर मान लो कोई कंप्लेन दी गई तो कोई क्विक एक्शन नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा। रेड मतलब जो रजिस्टर है ना रेड कलर का, रेड और टैपीज में मतलब ट्रैप होना, मतलब बंद होके वहां रखा जाती है वो, फिर कोई एक्शन नहीं होता है। और एक और क्या ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब राजशाही, राजशाही मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना वो अपने आप को क्या मानते हैं, यार मैं ही राजा हूँ, मैं मतलब उनके ऊपर ही रहता है, उनको कोई परमिशन चाहिए, घर घर बनाने की परमिशन चाहिए, उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो उसकी परमिशन चाहिए। तो ये सब क्या है कि यार मैं जाऊँगा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये, तो वो अपने आप को क्या राजा मानते हैं, यार नहीं भैया करेंगे आराम से करेंगे, है ना? कल परसों आना, आज टाइम नहीं है, घर लंच का टाइम हो गया है, ये वो। फिर उनके और नखरे अलग वो कि यार इतने रुपए लगेंगे, मतलब करप्शन अलग है। तो क्या अपने आपको राजशाही मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी मतलब राजशाही, ठीक है? ये डिमेरिट सूटेबिलिटी मतलब क्या, कब कब ये आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कब रखनी चाहिए, किस किस सेक्टर में ये होनी चाहिए। और सबसे पहला क्या, अटमोस्ट सिक्रेसी रिक्वायर्ड। अटमोस्ट सिक्रेसी रिक्वायर्ड मतलब क्या, जो सेक्टर है उसमें सिक्रेसी की बहुत जरूरत है। अब जैसे डिफेंस है उसमें सिक्रेसी की बहुत जरूरत रहती है, क्या जो भी मिशन हो रहा है वो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर और क्या रहता है, सेकेंड गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी। कुछ 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 चीज़ों में गवर्नमेंट का कंट्रोल नेसेसरी, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गई। ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही राइट है ना, कि वो एक बार जो भी जैसे ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो एक बार आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है। क्योंकि अपन जब कोई भी मूवी देखते हैं तो उसके पहले एक वाइट कलर का आता है ना लिखा हुआ, अच्छा बड़ा, जिसमें मूवी का नाम लिखा रहता है और ऊपर कुछ AU लिखा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक वो रहता है, लाइक वो रहता है एक सर्टिफिकेट रहता है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट पहले उसको देखती है पूरी मूवी को, क्या कुछ गलत तो नहीं बता रहे हो आप, जो भी है सही है, किसी को हर्ट करने वाला, किसी रिलीजन या किसी पर्सन को हर्ट कर तो नहीं करेगा, उसके पर्सनल तो नहीं हो रहा कुछ। तो ये क्या गवर्नमेंट का राइट है कि ब्रॉडकास्टिंग वही करेगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जैसे आप रेलवे देख लो, रेलवे क्या है उसमें बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि
कोई प्राइवेट आदमी इतना बड़ा ऑल ओवर द कंट्री इतनी ज्यादा रेलवे लाइंस बिछा के रेलवे चलाना बहुत मतलब कॉस्टियर वो है, प्रोजेक्ट है, तो कोई इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता उसको, तो ये क्या ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ पब्लिक मतलब अपने ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। इस सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब कि जैसे वो क्या रेलवे हो गया, रेलवे क्या गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से थोड़ा अर्न करती है वो, है ना। पर जैसे ये पोस्ट ऑफिस है, डिफेंस है, यहाँ तो उनको देना ही पड़ता है, लॉस में जाती है ये अंडरटेकिंग, क्योंकि ये सर्विस मोटिव है इनका। तो ये क्या चार चीजें देखती है कि सिक्रेसी रिक्वायर्ड है क्या उस सेक्टर में, बहुत ज्यादा अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेसी। सेकंड, गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नेसेसरी है क्या। फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, कि इतना इन्वेस्टमेंट है क्या क्या कि प्राइवेट जो वो नहीं कर पाएगा। और लास्ट क्या इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू का वो है पार्ट है, ठीक है। अब अपन ने क्या आज क्या पढ़ा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फर्स्ट पार्ट था। अब कल अपन पढ़ेंगे स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, इनके क्या फीचर्स देते हैं, क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स, है ना। ठीक है, थैंक यू।